अस्सलाम वालेकुम क्लास 7। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पिछली क्लास में हमने अपने चैप्टर 8 की एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन 1 किया था और 8.1 का हमने लास्ट क्वेश्चन सीखा था। आज जो है हम 8.2 का सब्ट्रैक्ट क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे और क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। उसके बाद ये जो है हमारा वर्क मैथ्स का मिड टर्म का तकरीबन बल्कि डन हो जाएगा। नेक्स्ट फिर आपकी क्लास नहीं होगी। तो ये आज हमारी आप समझ लें कि लास्ट मैथ्स की क्लास है। उसके बाद आपने क्या करना है, सारी वर्कशीट आपके पास मौजूद हैं, जो नहीं मिली हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता आपको मिल जाएंगी। उसके बाद जो है आपने उन वर्कशीट की मदद से इन सब काम की जो भी मैंने आपको कराया है प्रैक्टिस करनी है। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं अब अपना क्वेश्चन नंबर 2 सब्ट्रैक्ट। अब देखें क्वेश्चन नंबर 2 सब्ट्रैक्ट है, ये बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे हमने ऊपर वाला एडिशन का किया था। सिर्फ इसमें एक चेंज है, इसमें देखें क्वेश्चन है पी प्लस 2q माइनस 4r फ्रॉम 3p माइनस q प्लस 2r, यानी कि फ्रॉम के बाद जो फिगर है 3p माइनस q प्लस 2r, इस फिगर में से माइनस करना है हमने फर्स्ट फिगर को। अब इस फिगर में से माइनस करना है तो याद रखेंगे सेकंड फिगर जो है फ्रॉम के बाद वाली वो हम ऊपर रखेंगे और उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे फर्स्ट फिगर को। और दूसरा इसमें क्या चेंज होता है वो मैं आपको एक करके दिखाता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आए। बाकी सारा मेथड बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने पहले सीखा था एडिशन का। देखें यहाँ क्वेश्चन लिख लिया मैंने 8.2 सब्ट्रैक्ट क्वेश्चन 2 p plus 2q माइनस 4r फ्रॉम 3p माइनस q प्लस 2r, यानी कि फ्रॉम के बाद वाली फिगर जो है इसमें से आपने माइनस करना है इस फिगर को। तो इसमें से जब हमने माइनस करना है तो याद रखें पहला स्टेप कि फ्रॉम के बाद वाली जो फिगर है उसमें से क्योंकि हमें माइनस करना है तो वो फ्रॉम के बाद वाली फिगर जो है वो हम पहले लिखेंगे। थोड़ा सा आप स्पेस दे के अच्छे तरीके से लिखेगा। पहले आएगा 3p, उसके बाद है माइनस q, उसके बाद प्लस 2r। अब देखें यहाँ पे क्यू के साथ कोई नंबर नहीं है तो आप अपनी आसानी के लिए 1 लगा सकते हैं, जहाँ कोई नंबर नहीं होता 1 होता है। अब जब हमने ये पहली फिगर लिख ली जिसमें से माइनस करना है, अब किसको माइनस करना है फर्स्ट फिगर को। अब आपने लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म रखना है, यानी पी वाली फिगर के नीचे पी आनी चाहिए, क्यू वाली फिगर के नीचे क्यू और आर वाली फिगर के नीचे आर। तो अब इसमें पहले पी दिया गया है तो पी वाली फिगर ये है तो पी के नीचे आपका पी आ जाएगा। इसकी कोई साइन नहीं है, साइन हमेशा नंबर या वेरिएबल से पहले होती है, तो इसकी कोई भी साइन नहीं है, एडिशन की साइन है। तो यहाँ पे आप एडिशन की साइन देना चाहें तो दे सकते हैं। उसके बाद प्लस का 2q है, क्यू आप नंबर को ना देखें वेरिएबल चेक करें, क्यू है ये भी क्यू है तो ये क्यू क्यू के नीचे आ जाएगा प्लस का 2q। उसके बाद r है यानी माइनस का 4r, r वाली फिगर ये है तो माइनस का 4r, r वाली फिगर r के नीचे आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो इट मीन्स के यहाँ पे 1 है, 1 आप लगा लें। अब आपने जो स्टेप करना है वो वैसे ही है जैसे हमने एडिशन में किया था, लेकिन इसमें आपने क्या करना है थोड़ा सा गौर से समझिएगा जो कि चेंज है। ये चीज़ हमने 6 में भी सीखी थी कि जब भी सब्ट्रैक्ट का क्वेश्चन होता है उसमें नीचे वाली साइनें जो हैं उनमें एडिटिव इन्वर्स हो जाता है, यानी कि वो साइनें इन्वर्स हो जाती हैं। अगर माइनस की साइन है तो प्लस में चेंज हो जाती है। इसके लिए देखें मैंने नया एक दूसरा पेन यूज़ कर रहा हूँ ताकि मुझे पता चले कि अब ये साइन इन्वर्स होके प्लस में हो गई है। जब ये साइन माइनस की इन्वर्स होके प्लस में हो गई है तो ऊपर वाली साइन ख़त्म हो जाएगी, उसको हम काउंट नहीं करेंगे, अब सिर्फ प्लस रहेगी। यानी कि पहले जो माइनस का 4r था अब वो प्लस का हो गया। अब यहाँ पे प्लस के 2q हैं, ये हो जाएंगे माइनस के, यानी अगर माइनस की साइन है तो प्लस में चेंज हो जाएगी, प्लस की साइन है तो माइनस में चेंज हो जाएगी। अब ये प्लस की साइन बेकार हो जाएगी, उसके बाद यहाँ प्लस है तो ये माइनस में चेंज हो जाएगी। अब आपने इसको बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे हमने एडिशन में किया था। अब देखें प्लस के 2 हैं और प्लस के 4 हैं, दोनों जब एक जैसी साइनें होती हैं तो प्लस हो जाते हैं। प्लस के 2 और प्लस के 4, प्लस के आपके 6 हो जाएंगे और r जो है वो वैसे ही आएगा। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में वेरिएबल जो है वो सेम आता है, उसमें कोई भी चेंज नहीं आता, ये याद रखिएगा। उसके बाद माइनस का 1 है
और माइनस के टू हैं, क्यू वेरिएबल है। इस इधर भी दोनों साइन सेम हैं, यानी कि यहाँ भी प्लस ही होगा नंबर, लेकिन वन और टू माइनस का, यानी यहाँ भी नुकसान है, यहाँ भी नुकसान है। अगर आपने एक रुपये का नुकसान किया, फिर दो रुपये का नुकसान किया, तो यानी कि आपने तीन रुपये का टोटल नुकसान किया, तो माइनस थ्री क्यू आ गया यहाँ पे। सॉरी, प्लस की साइन नहीं थी, प्लस की साइन आ गई। अब यहाँ पे ऊपर कोई साइन नहीं है तो प्लस है, अब नीचे प्लस थी लेकिन वो चेंज होकर माइनस हो गई, तो अब नीचे वाला माइनस है, प्लस नहीं रहा, तो प्लस और माइनस है। जब अपोजिट साइन आएंगी, मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था, जो ज़्यादा होते हैं हमेशा वही बचेंगे, प्लस के थ्री में से वन माइनस करेंगे तो आपका क्या बचेगा, प्लस का टू और पी का पी वैसे ही आ जाएगा, तो टू पी माइनस थ्री क्यू प्लस सिक्स आर, ये आपका आंसर हो जाएगा। और इसका एक और भी तरीका मैंने बताया था कि जब अपोजिट साइन आए, एक प्लस हो और एक माइनस हो, तो उसमें आप बड़े नंबर से पहले छोटा नंबर माइनस कर लें, थ्री में से वन गए आपका टू आ गया, फिर साइन आपने उसी की देनी है जो बड़ा नंबर है, बड़े नंबर के प्लस की साइन है, तो यानी कि जो बचेगा वो आपका प्लस का बचेगा ऑब्वियसली। तो ये हमारा आंसर है, यकीनन आपको समझ आ गया होगा, वेरी इजी। फाइव क्वेश्चन है इसके, चलिए बीच में से एक और मैं करवा देता हूँ, क्वेश्चन नंबर फोर आपको कराता हूँ। अब ये देखें, क्वेश्चन नंबर फोर है, फाइव एल स्क्वायर माइनस थ्री एम एन प्लस सिक्स एम स्क्वायर इस फ्रॉम 8mn माइनस 2l स्क्वायर प्लस 3mn स्क्वायर, इसमें से माइनस करना है, तो ये भी मैं आपको पहले मैंने 1 कराया है और 4 आपको मैं करा देता हूँ, बाकी फिर आपका होमवर्क होगा, आप खुद करिएगा। अब देखें, क्वेश्चन 4 मैंने लिख लिया है, फ्रॉम के बाद वाली फिगर पहले आएगी, जैसा पहला स्टेप मैंने बताया था, मैंने पहले लिख लिया है 8mn माइनस 2l स्क्वायर प्लस 3mn स्क्वायर। अब उसके बाद फर्स्ट फिगर को इसमें से माइनस करना है, तो लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म रखेंगे। अब पहली फिगर चेक करेंगे, पहली है 5l स्क्वायर, नंबर को आप छोड़ें, वेरिएबल चेक करें, वेरिएबल है l और उस पर है स्क्वायर, यानी पावर है, एक्सपोनेंट है 2, तो यहाँ पे l एक्सपोनेंट 2 है, तो यानी कि ये दोनों लाइक टर्म है, तो इसके नीचे आ जाएगा, यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो एडिशन की साइन है, तो प्लस का 5 एल स्क्वायर आपका एल स्क्वायर के नीचे आ गया, दोनों लाइक टर्म हो गए। अब उसके बाद है माइनस का 3mn, mn जो है दोनों पे एक्सपोनेंट कुछ भी नहीं है, यहाँ पे भी देखें कुछ भी नहीं है, सिर्फ mn है, ये भी mn है, तो ये इसका लाइक टर्म है, माइनस का 3mn, mn mn के नीचे आ गया। उसके बाद है प्लस का 6m स्क्वायर, अब यहाँ पे एम एन है, एल स्क्वायर है, एम एन स्क्वायर है, एम स्क्वायर तो है ही नहीं, जब कोई भी फिगर मैच ना करे तो आप उसको अलग से रख लें, तो मैंने इसको 6m स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे कोई भी नहीं था, लाइक टर्म नहीं था इस जैसा, तो मैंने इसको अलग से रख लिया। लाइन लगाएंगे और इसको सॉल्व करेंगे, लेकिन सॉल्व करने से पहले याद रखें, जब भी सब्ट्रैक्शन करें साइन इन्वर्स करनी है नीचे वाले की, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगी, यहाँ प्लस है ये भी माइनस हो जाएगी, और ये माइनस है तो ये आपकी प्लस हो जाएगी, ऊपर वाली साइन समझे बेकार हो गई। अब यहाँ पे माइनस का 6m स्क्वायर है, ऊपर कोई नंबर नहीं है, माइनस 6m स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा आपका नीचे आंसर में, यहाँ भी कोई नंबर नीचे नहीं है, तो प्लस का 3mn स्क्वायर भी वैसे ही आ जाएगा, और यहाँ पे दोनों एल स्क्वायर हैं, ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, दोनों माइनस के हैं, यानी पहले 2 का नुकसान फिर 5 का नुकसान, यानी कर दिया है 7 का नुकसान, तो माइनस 7 एल स्क्वायर, ये याद रखेंगे, दोनों साइनें सेम होंगी तो आपने एनी हाउ प्लस ही करना है, लेकिन जब दोनों प्लस की होंगी तो प्लस करके प्लस की साइन देनी है, लेकिन जब दोनों माइनस की होंगी तो प्लस करके माइनस की साइन देनी है, लेकिन जब अपोजिट साइनें आएंगी, एक प्लस और एक माइनस, तो फिर आपने सब्ट्रैक्ट करना है। अब यहाँ पे कोई साइन नहीं है, प्लस है, नीचे भी प्लस है, दोनों प्लस के हैं, प्लस के 8 और प्लस के 3 हो जाएंगे, प्लस के 11, और mn वेरिएबल वैसे ही आ जाएगा, तो 11mn माइनस 7l स्क्वायर प्लस 3mn स्क्वायर माइनस 6m स्क्वायर आंसर। अब दो क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं, बाकी तीन क्वेश्चन जो हैं वो आपका होमवर्क है, आप खुद करिएगा, वेरी इजी, प्रैक्टिस ज़रूरी होती है मैथ्स में, तो जितना करेंगे उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। अब देखें, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ये आपका होमवर्क है जिस पे इन सर्किल कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 आपका होमवर्क है, और क्वेश्चन नंबर 5 आपका होमवर्क है, तीनों बहुत ज़्यादा आसान हैं, मैंने देख लिए हैं, वेरी इजी क्वेश्चंस, तो ये तीन आपके क्वेश्चन नंबर 2 में होमवर्क हैं। उसके बाद हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 3, उसकी तरफ बढ़ते हैं, उसको समझते हैं और वाइंड अप करते हैं। अब देखें, क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो है हमारा ये, इफ़
ए इक्वल है 3x माइनस वाई प्लस 4z, ए की वैल्यू यानी कि ये पूरी है, बी की वैल्यू ये पूरी है, सी की ये है, कह रहा है देन फाइंड, फिर फाइंड करें ए माइनस बी, बी माइनस ए, या तीन नंबर थ्री है ए प्लस बी माइनस सी। तो इसमें सबसे पहले पहला ही क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ, उसके बाद देखेंगे क्या करना है। जस्ट थ्री क्वेश्चन है, देखिए मैंने क्वेश्चन लिख लिया है, इफ़ ए की वैल्यू ये आ गई, बी की ये आ गई, सी की ये आ गई, देन फाइंड। पहला क्वेश्चन मैंने लिखा है, तीन क्वेश्चन है टोटल, पहले मैं पहला आपको करवाता हूँ ए माइनस बी। अब इसमें क्या करना है, पहले देखें ए दिया गया है, तो सबसे पहले ए की जगह पे ए की वैल्यू लिखेंगे, ए की वैल्यू ऊपर दी गई है, लेकिन आपने ब्रैकेट यूज़ करना है, ए की जगह पे ए की वैल्यू आ जाएगी ब्रैकेट में, क्या है ए की वैल्यू 3x माइनस वाई, देखें लिखी हुई है यहाँ पे, प्लस 4z। उसके बाद आपने ब्रैकेट क्लोज कर दी, उसके बाद ए के बाद देखें क्या है, साइन है माइनस की, आपने भी यहाँ माइनस की साइन देनी है, फिर क्या है, फिर बी है, तो बी है तो बी की जगह पे बी की वैल्यू लिखेंगे, बी की जगह पे आपने बी की वैल्यू लिखनी है ब्रैकेट में, ब्रैकेट दिया, क्या है 2x माइनस 6y, माइनस 6y के बाद है प्लस z। ये हमारा पहला स्टेप है, याद रखिएगा पहले स्टेप में जो भी आपको दिए गए हैं उसकी वैल्यू लिखनी है। उसके बाद जो है आपने क्या करना है, ब्रैकेट को ख़त्म करना है। ब्रैकेट ख़त्म कैसे होते हैं, ब्रैकेट से एक लॉक है वो खुलते हैं जस्ट आपकी साइन मल्टीप्लिकेशन से। यहाँ पे तो कोई साइन नहीं है, प्लस की साइन है, यहाँ भी कोई साइन नहीं है, प्लस की साइन है, तो प्लस को अब जो बाहर वाली साइन है वो ब्रैकेट की तमाम अंदर वाली साइनों से मल्टीप्लिकेशन करती जाएगी और आपका ब्रैकेट जो है वो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे कोई साइन नहीं थी, प्लस है, प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा प्लस ही आएगा और आ जाएगा 3x वैसे ही, फिर प्लस माइनस, माइनस आ जाएगा, वाई वैसे ही आ जाएगा, फिर इसी प्लस से तीसरे साइन को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 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 और हमारा आ जाएगा 4z। अब ये कंप्लीट हो गया। अब यहाँ माइनस की साइन है, इस माइनस से यहाँ कोई साइन नहीं है, प्लस इस माइनस से अंदर वाली तीनों साइनों को मल्टीप्लाई करेंगे, पहले माइनस को प्लस से करेंगे, माइनस प्लस माइनस 2x वैसे ही आ जाएगा। याद रखेंगे जब भी दो अपोजिट साइनें आती हैं तो आंसर आपका माइनस आता है, जब दो सेम साइनें आती हैं तो प्लस आता है। यहाँ पे मैं आपको बना के दिखा दूँ, देखें प्लस मल्टीप्लाई बाय प्लस, आंसर आपका आएगा प्लस, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस, आंसर आपका आएगा प्लस। अब देखें दोनों साइनें सेम हैं तो आंसर प्लस आया है, यहाँ भी दोनों सेम है आंसर प्लस आया, लेकिन अगर आपकी साइनें मुख्तलिफ हैं यानी माइनस प्लस फिर माइनस आएगा या प्लस माइनस फिर भी आपका आंसर माइनस आएगा, तो ये याद रखिएगा मैंने बना दिया है। उसके बाद माइनस प्लस माइनस 2x वैसे ही आ गया, फिर माइनस को माइनस से करेंगे, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा और 6y वैसे ही आ जाएगा, फिर माइनस को प्लस से करेंगे, माइनस प्लस माइनस और हमारा z वैसे ही आ जाएगा। अब हमने ब्रैकेट भी ओपन कर लिए हैं। अब तीसरा स्टेप हमारा ये है कि हमने चेक करना है कि लाइक टर्म कौन कौन से हैं। देखें ये पहली फिगर हमारी x की है, क्या दूसरा कोई x है, ये x है, तो जो लाइक टर्म है उनको प्लस या माइनस जो भी वो हो रहे हैं अकॉर्डिंग टू साइन उसको हम करेंगे। अब यहाँ पे प्लस के 3x हैं, यहाँ पे माइनस के 2x हैं, प्लस के 3 में से माइनस का 2 जाएगा तो प्लस का आपका 1x बचेगा, 1 आप यूज करना चाहें ना करना चाहें वो आपकी मर्जी है। उसके बाद y पे आ जाएं, ये y है, ये भी y है, यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो 1y है ये, और ये आपका 6y है, तो माइनस का 1y और प्लस के 6y, प्लस के ज़्यादा हैं, प्लस के 6y में से माइनस का 1y चला जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो आपके कितने बचेंगे, प्लस के 5y, ये भी हो गया। उसके बाद z है, ये z है और ये z है, ये z वाली फिगर, यहाँ कोई नंबर नहीं है तो 1 है, जहाँ कोई नंबर नहीं होता वहाँ 1 होता है। अब देखें प्लस का 4 और माइनस का 1, प्लस के 4 में से माइनस करेंगे 1 तो यहाँ पे भी आपका प्लस का 3z बच जाएगा, वेरिएबल हमारा सेम आएगा, ये अब हमारा आंसर हो गया। यकीनन आपको समझ आ गया होगा, इसके जस्ट 3 ही क्वेश्चन हैं, दिल तो ये करता है कि दोनों आपको दूं आप खुद करें ताकि समझ तो आ ही गया होगा वेरी इजी, लेकिन फिर भी आपको मैं नंबर 3 करवा देता हूं, नंबर 2 फिर आपका जस्ट होमवर्क होगा। ये देखें आप क्वेश्चन नंबर 3 के जस्ट 3 क्वेश्चन हैं, 1 मैंने आपको करा दिया ए माइनस बी, उसके बाद है बी माइनस ए, उसके बाद है ए प्लस बी माइनस सी, उसके बाद फिर दूसरे क्वेश्चन हैं दो, वो भी ऐसे ही हैं तकरीबन,
अब इसमें जो है नंबर थ्री भी मैं आपको करा रहा हूँ, नंबर टू फिर आपका होमवर्क होगा। अब यहाँ देखें, मैंने नंबर थ्री क्वेश्चन लिख लिया है, ए प्लस बी माइनस सी। अब मैंने जो है, क्योंकि आपने ऊपर सीख लिया है, अब ए की जगह पे पहले ए की वैल्यू आएगी, थ्री एक्स माइनस वाई प्लस फोर जेड, वो मैंने लिख ली ब्रैकेट में। फिर ए के बाद क्या है, प्लस की साइन, फिर प्लस की साइन दी, फिर क्या है ए के बाद बी, तो बी की जगह पे बी जिसके इक्वल है उसकी वो आ जाएगी वैल्यू, टू एक्स माइनस सिक्स वाई प्लस जेड, वो आ गई ब्रैकेट में। फिर बी के बाद माइनस की साइन है, मैंने माइनस दे दी। फिर माइनस के बाद सी है, तो सी की जगह पे सी जिसके इक्वल है, जो वैल्यू है सी की, वो आएगी एक्स प्लस वाई माइनस टू जेड, एक्स प्लस वाई माइनस टू जेड आ गई। यहाँ तक तो आपको समझ आ गया, बिल्कुल वैसे ही है। उसके बाद सेकंड स्टेप जो हमने किया था, क्या किया था कि हमने इनके ब्रैकेट्स ख़त्म किए थे। यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो प्लस है, यहाँ भी कोई साइन नहीं है तो प्लस है। ब्रैकेट कैसे ख़त्म होंगे, बाहर वाली साइनों से, अंदर वाली तमाम साइनें मल्टीप्लीकेशन होंगी और ब्रैकेट ख़त्म होंगे। तो अब प्लस प्लस आपका हो जाएगा प्लस, थ्री एक्स वैसे ही आ जाएगा। उसके बाद प्लस से आगे वाली साइन को करेंगे प्लस माइनस, माइनस वाई वैसे ही आ जाएगा, फिर प्लस 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 हो जाएगा, फोर जेड आ जाएगा। अब इस साइन से आगे वाली, इस ब्रैकेट को ख़त्म करते हैं, यहाँ कोई साइन नहीं है तो प्लस है, प्लस 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 होगा टू एक्स, फिर प्लस से आगे वाली साइन को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस माइनस, माइनस होगा सिक्स वाई आ जाएगा आपका, फिर प्लस 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 ही होगा, जेड आ जाएगा। यहाँ पे कोई साइन नहीं है, प्लस है। अब यहाँ पे बार माइनस है तो माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस प्लस माइनस एक्स वैसे ही आ जाएगा, फिर आगे वाली साइन से करेंगे माइनस प्लस माइनस वाई, फिर आगे वाली माइनस है तो माइनस माइनस प्लस टू जेड। अब देखें ब्रैकेट सारी ख़त्म हो गई, यकीनन आपको समझ आ गया होगा। अब जो है हमने क्या करना है, वही जो हमने ऊपर किया था, लाइक टर्म फाइंड आउट करने हैं। अब ये तो एक्स वाली फिगर हो गई, ये भी एक्स है, और देखें कोई एक्स, ये भी एक्स है, यहाँ कोई नंबर नहीं है तो वन है। अब इन तीनों को हमने एक साथ करना है अकॉर्डिंग टू साइन। अब देखें ये प्लस का थ्री है और ये प्लस का टू है, प्लस के थ्री एक्स और प्लस के टू ये हो जाएंगे प्लस के फाइव, और ये माइनस का वन है, प्लस के फाइव में से माइनस का वन चला जाएगा तो आपके पास बचेंगे प्लस के फोर एक्स, ये हो गया। अब यहाँ पे है कोई सा नंबर नहीं है, वन वाई कर लेते हैं। अब ये है वाई, वाई वाली फिगर आ गई वाई, ये भी वाई और ये भी वाई, यहाँ पे भी कोई नंबर नहीं है तो वन लगा देते हैं। अब ये माइनस का है, ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का, तीनों एक साइन हैं तो तीनों को हम प्लस कर लेते हैं नंबरों को, लेकिन नुकसान है। पहले एक रुपये का नुकसान, फिर छः रुपये का नुकसान तो हो गया सात रुपये का नुकसान, फिर एक रुपये का नुकसान तो हो गया आठ रुपये का नुकसान, माइनस वन सिक्स सेवन माइनस वन, तो ये हो गया माइनस एट, यानी कि आठ रुपये का नुकसान। उसके बाद जेड वाली फिगर में ये जेड है, ये भी जेड है और ये भी जेड है, यहाँ कोई नंबर नहीं है तो वन है, तो ये तीनों प्लस के हैं, प्लस हो जाएंगे, प्लस का फोर और प्लस का वन फाइव, फाइव फोर टू सेवन, तो ये आ जाएगा प्लस का सेवन जेड। वेरी इजी, बहुत ज़्यादा आसान था, यकीनन आपको समझ आ गया होगा। यहाँ पे हमारा जो काम है वो हमारा वाइंड अप हुआ, ख़त्म हुआ। अब जितना भी काम हुआ है उसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करिएगा। आज की क्लास में जो भी बात नहीं समझ आई है वो आप मुझसे पूछिएगा, और जो होमवर्क है वो अगेन मैं आपको बता देता हूँ जो आपने करना है। अब क्वेश्चन नंबर टू में जिन जिन पे इन सर्किल हुए हुए हैं, दायरे बने हुए हैं, वो आपके होमवर्क हैं। क्वेश्चन नंबर टू का, क्वेश्चन टू थ्री और फाइव, तीन क्वेश्चन ये हैं। और क्वेश्चन नंबर थ्री में जस्ट आपका वन क्वेश्चन है, वन और थ्री मैंने करवा दिया है, जिस पे आंसर के लिए हुआ हुआ है बी माइनस ए, ये होमवर्क है। टोटल आपके फोर क्वेश्चन होमवर्क हैं। अच्छी तरह से सफाई से कॉपी पे करके मुझे चेक कराइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।